हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ समोसे। समोसे के लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया था जो मैंने यहाँ पे गूंद लिया है। आटे को हम जैसे चपाती के लिए आटा गूंदते हैं वैसे गूंदेंगे। और इसमें मैंने ऐड किया है अजवाइन और थोड़ा सा नमक। अब मैं इसको ऊपर से ऑयल से कवर कर दूँगी, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैंने यहाँ ज़्यादा समोसे नहीं बनाने, तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया है। तो मैं इसके लिए तैयार करूँगी मसाले। इसके लिए मैंने लिए है 3 आलू, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, सूखा धनिया पीसा हुआ, अजवाइन, नमक। नमक आप थोड़ा कम ही ऐड करना है क्योंकि पहले भी आटे में मैंने ऐड किया हुआ है। लाल पाउडर मिर्च, हल्दी थोड़ी सी। मैंने मसाला रेडी कर दिया। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है और ये गर्म हो गया। इसमें मैं अब ऐड करूँगी जीरा, सूखा धनिया, मेथी, अजवाइन। अब इन सबको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करूँगी, भून लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च। मिर्च को भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा भून लेगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हो क्योंकि हमने आटे में भी डाला था जब हमने आटा गूंदा था। लाल पाउडर मिर्च। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने आलू मैश कर दिए थे, आलू को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हरे मटर ही मैं ऐड करना भूल गई थी। अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी और इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो मैं अब बनाऊँगी समोसे। समोसे के लिए मैंने ये रोटी की तरह आटा बेल दिया है। तो अब मैं इसको बीच से कट कर दूँगी। ये मैंने कट कर दिया है। अब मैं इसके समोसे बनाऊंगी। अब मैं इसको ऐसे बना दिया और इसमें ऐड करूंगी मसाला जो मैंने इसके लिए तैयार किया था। मसाला ऐड कर दिया है। अब मैं इसे एक एक करके सारे समोसे बना दूंगी। ये मेरे समोसे बन गए हैं। अब मैं इसके लिए ऑयल गर्म करने रख दिया है पहले ही। अब मैं इसको ऑयल में ऐड करूँगी। मैंने ऑयल में ऐड कर दिया है। अब मैं इसे ऐसे ही सारे पकने दूँगी और इसको मैं ऐसे ही चेंज करती रहूँगी, पलटती रहूँगी ताकि अच्छे से पक जाए, अंदर से बाहर से अच्छे से बन जाए। ऐसे हिलाते रहना है इसको, अच्छे से पकाना है। ऑलमोस्ट पक गए ये। मेरे समोसे बन के रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हो। तो आप समोसे को किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो, चटनी के साथ, सॉस के साथ, और साथ में चाय भी ले सकते हो। गरम गरम बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।